आजकल के बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल काम है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, बच्चे तो मासूम होते हैं। अरे मुझे पता है, तभी तो कह रही हूँ। नहीं, तू ऐसे ही कह रही है, मेरे को तो नहीं लगता ऐसा। अभी बताती हूँ कैसा लगता है। अगम इधर आ जरा। क्या हुआ मम्मी? इधर आ जल्दी, पहले काम बताओ फिर आऊंगा। देख रहे हो कैसे बात करता है। सही कह रही हो, पर इतना तो चलता है। रुक जाओ, अभी स्टार्ट हुई है पिक्चर। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अगम इधर आ रहे कि मैं उधर आके बताऊं? लो आ गया मम्मी, अब बताओ क्या काम है। वो जो होमवर्क मिला था स्कूल का, वो कंप्लीट हुआ कि नहीं? नहीं, वो बाद में कर लूंगा। कब से देख रही हूँ टीवी देखने जा रहा है, कभी छोटा भीम, कभी लिटिल सिंघम, कभी मोबाइल में। कब का कंप्लीट करेगा काम? एक तो स्कूल जाकर क्लास करो और घर आकर होमवर्क करो। छोटा सा बच्चा कितनी पढ़ाई कर लेगा। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ये काम कभी खत्म क्यों नहीं होता? जब देखो पढ़ते रहो, खेलेंगे कब, टीवी कब देखेंगे, मोबाइल कब चलाएंगे? साला ये दुख कहीं खत्म नहीं होता बे। मामा को देख रहे हो, बहुत पढ़ाई करी थी तब जाके अच्छी जॉब मिली है। तुम भी अच्छी से पढ़ाई कर लो, तब जाके तुम्हें एक अच्छी जॉब मिलेगी जिससे तुम खूब पैसे कमा पाओगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। पता है मेरे को मामा, सुबह से लेकर रात तक काम ही करते रहते हैं, फिर घर आकर आधा घंटा टीवी देखकर खाना खा के सो जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बीच में मैं कहाँ से आ गया? मम्मी बोल रही थी तभी बोलना कि काम कभी खत्म नहीं होता लाइफ में। और ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये नहीं कि बस मामा जैसे जुटे रहो काम में, ना खेलना ना मूवी देखना ना देखना। बस कर भाई, मैं समझ गया बच्चे कैसे होते हैं, पूरी तरह समझ गया। फिर कभी नहीं कहूंगा कि बच्चे मासूम होते हैं, शरीफ होते हैं। बस हवा निकल गई। पता चला। पता चल गया।